कोटा शहर के वार्ड नंबर 50 के सरायका स्थान के पास एक मंदिर समिति के मुखिया द्वारा एक युवती के मकान पर कब्जा करने का मामला सामने आया है। युवती ने न्याय की गुहार लगाने के लिए मीडिया कर्मियों को अपनी परेशानी बताई है। कोटा के वार्ड नंबर 50 की रहने वाली निशा शर्मा ने मीडिया कर्मियों को बताया कि कोटा के वार्ड नंबर 50 में सरायका स्थान में बड़े महाप्रभु जी मंदिर की दीवार से सटा हुआ मेरा मकान है। यह मेरा खानदानी मेरे बाप दादाओं का पुश्तैनी मकान है। मेरे मकान पर बड़े महाप्रभु जी मंदिर के मुखिया विनय बाबू गोस्वामी जबरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं। कब्जा करने के लिए वह मुझे आए दिन परेशान करते हैं, टॉर्चर करते हैं। इस वजह से मैं मानसिक तनाव में रहती हूँ। परेशान करने के लिए अलग अलग हथकंडे अपनाते हैं, कभी अधिकारियों से फोन लगाते हैं तो कभी पुलिस को भेजते हैं। निशा शर्मा ने बताया कि मेरे पास मकान के पूरे कागजात है जो कि मेरे बाप दादाओं के समय के है। काफी वर्षों पहले के मेरे पास मकान के पूरे कागजात है। ये मकान मेरा मकान है, मेरा खानदानी पुश्तैनी मकान है जिस पर बाबा कब्जा करना चाहता है। जी, मामला ये है कि बड़े महाप्रभु जी मंदिर के मुखिया श्री विनय बाबा गोस्वामी जी, वो आए दिन मुझे, उनके पीछे हमारा मकान है महाप्रभु जी के डपोले के अंदर सराय कास्तान में, तो वो आए दिन मुझे परेशान करते हैं। मैं अकेली ही बची हूँ अपने परिवार में। मेरी माता का स्वर्गवास 2020 में हो गया, उसके बाद से मैं ही उस मकान में रहती आई हूँ और मैं जॉब भी करती हूँ तो दिन भर ताला लगा रहता है। अभी कुछ समय पहले भी उन्होंने मेरे मकान पर बाहर लिखवा दिया था कि संपत्ति श्री बड़े महाप्रभु जी की, तो उस वक्त भी मैंने थाने में रिपोर्ट दी थी। उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, एक दो बार बस पुलिस वाले आके देखकर समझाकर चले गए। उसके बाद अब वो मकान इतना जर्जर स्थिति में हो रहा है कि उसमें ना तो रह सकते हैं ना उसमें कुछ कर सकते हैं। किसी भी दिन, किसी भी वक्त, किसी भी समय वो मकान ढह सकता था, इसलिए मैंने उसका काम चलवाने की सोची। तो मैंने उस पर अभी काम चलवाना शुरू किया था उसको तुड़वाने के लिए। उस बीच में सबसे पहले जिस दिन काम तुड़वाने के लिए मैंने शुरू किया, उसी दिन बाबा ने, विनय बाबा गोस्वामी जी ने अपने अकाउंटेंट द्वारा पुलिस थाने में, केतुनी पोल थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई, वो भी मेरे नाम पर नहीं किसी और के नाम पर, कि ये यहाँ पर काम, अवैध कार्य करवा रहे हैं या ऐसा कुछ। तो फिर उस दिन भी मैं थाने में गई, वहाँ पर मैंने अपने कागज वगैरह दिखाए। उन्होंने कहा कि, उनको भी बोला कि आप कोर्ट से लाओ, यहाँ का कोई मैटर ही नहीं है, लड़ाई झगड़े हुए नहीं। मेरे पास एक कागज है, हर चीज का कागज बना हुआ है। मेरी माँ के नाम 2013 में पट्टा बना था, नगर निगम से जारी हुआ था, तो वो पट्टा अभी भी मेरे पास है। उसके बाद मैंने उसका नाम ट्रांसफर की भी मैंने फाइल लगवाई थी और वो भी मेरे नाम हो चुका है। उसके बाद ही जाकर मैंने, और बनवाने की अर्जी के लिए भी दिया हुआ था मैंने नगर निगम में, उसके बाद ही जाके काम शुरू किया। तो वो आए दिन परेशान कर रहे हैं। कल भी उन्होंने इतना, अभी छुट्टियां चल रही है उसके बावजूद भी इतना फोर्स करके, बड़े आदमी है तो फोन पे फोन करा के किसी को भेजा था, कोई आए थे जयंत साहब नगर निगम से, तो वो आकर मौके पर सब कुछ देख के गए। मैंने उन्हें भी सारे कागज बताए हैं कि मेरे पास नक्शा भी है, मेरे पास पट्टा भी है, मेरे नाम ट्रांसफर की रसीद बुक सब कुछ है। सब कुछ दिखाने के बावजूद भी उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, तो मैं काम चलवा रही हूँ, पर रोजाना परेशान करते हैं कि पहले बोलते हैं कि दीवार महाप्रभु जी की है, तो वह सब मानते हैं, सबको पता है, पूरे मोहल्ले को पता है कि वो दीवार महाप्रभु जी की है, तो दीवार को हम छेड़ भी नहीं रहे हैं। उसके बावजूद भी अब कहते हैं कि पूरा मकान ही महाप्रभु जी का। उसके आज तक हमारे यहाँ पे जो बिल आता है वो भी सन 58-57 से जब भी मेरे दादाजी ने लिया था बिल का कनेक्शन, वो भी मांगी लाल जी के नाम से, आज दिन तक भी नल लाइट के बिल आते, तो वो कैसे उसको झुटला सकते हैं, कैसे फिर तब उन्होंने क्यों नहीं बोला। यही चाहती हूँ कि बार बार मुझे ना परेशान करे, मैं अकेली बची हूँ, मैं कहाँ कहाँ जाऊंगी, मैं क्या करूंगी, मेरी कोई सुनवाई नहीं है। थाने में भी यूँ बोलते हैं कि आप कोर्ट से जाओ, वो बड़े आदमी है, उनके फोन पे काम हो जाते हैं, और मेरी चप्पलें घिस गई है दौड़ते दौड़ते, मेरी छुट्टियां ले रखी है, मैंने प्राइवेट नौकरियों में छुट्टियां भी नहीं। आज के दिन